अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप में से अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब ये वो टाइम आ चुका है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है कि पूरा साल तो पढ़ा नहीं, या कुछ बच्चों ने पढ़ा है लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस वीडियो में हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली टिप ये है कि उन तमाम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें जो आप में स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं। अब वो लोग होते क्या हैं और किस तरह आपको स्ट्रेस में लाते हैं? सबसे पहले उनकी खासियत ये होती है कि वो आपको कहेंगे, क्यों पढ़े हो, क्यों इतना ज़्यादा पढ़े हो, हम तो एक दिन पहले पढ़ते हैं, हम पेपर पास कर लेते हैं, देखो अभी भी हम कितने फ्रेश हैं, तुम लर्न नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो वो आपके अंदर नेगेटिव सोच ला रहे होते हैं, और ये नेगेटिव सोच अगर आपके अंदर आती है तो आप में स्ट्रेस ज़रूर कॉज करती है। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आप ही वो हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि आपको किस टाइम पढ़ना है, आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपको कितने टाइम पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो कितना टाइम पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी चीज़ को एक घंटे के अंदर याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसी चीज़ को याद करने के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है। तो अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हो कि हम तो इतनी देर में कर लेते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस में लाती है कि भाई वो करें मैं क्यों नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लर्न करते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है। तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है कि अगर आपको 2 घंटे में वो चीज़ याद हो रही है। तो अब आपसे आपने उन तमाम लोगों को कहना है कि ठीक है, आप जैसे पढ़ते हो आप पढ़ो, हम जैसे पढ़ते हैं हमें उस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह करने से ये आपके सबसे पहले जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम आएगा। पहली टिप को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरी टिप की, और आपकी दूसरी टिप है आपका स्केड्यूल। स्केड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रह चुका है, और आप में से अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की होगी, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब वो अपने टाइम स्लॉट्स को बिल्कुल फिल करें कि इस टाइम में मुझे ये करना है, इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, और इस तरह से वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात कि अब आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करो। बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाती है, आपको पता होता है कि इस सेक्शन में को अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे इतने नंबर मिलेंगे, और इस सेक्शन में ये 2 चैप्टर आते हैं। तो अगर आप उनको तैयार करोगे, उस तरह से अपनी तैयारी करोगे, तो आपके लिए एक तो तैयारी आसान हो जाएगी, और आपकी जब तैयारी अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें तीसरी टिप की, तो आपकी तीसरी टिप है आपकी रिवीजन। जितना भी आप पढ़ चुके होंगे, आपने बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि मैंने तो 5 चैप्टर किए हैं बाकी नहीं किए, और तो कि आपको करने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लैग लगता है, आपको लगता है कि ये मैंने चीज़ नहीं की, तो अब आप उस चीज़ को छोड़ के वो तमाम चीज़ें जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी रिवीजन स्टार्ट करो। क्योंकि वो रिवीजन जब आप करोगे, तो अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जाते हो और आपको उनमें से वही चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मुझे आता है, मैं ये इसका ये आंसर लिखूंगा और मुझे ये मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप अपने मार्क्स को सिक्योर वहाँ पर कर सकते हो, और मार्क्स को सिक्योर करने का मतलब क्या है कि आपकी ऑलरेडी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, और जब आप पेपर में उस सवाल को देखोगे तो आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नज़र आएगा। तीसरी टिप की बात करते हैं, तो तीसरी टिप है आपकी रिवीजन। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा है वो तकरीबन 1 माह पहले पढ़ा या कुछ दिन पहले पढ़ा। अब आपने जब वो पेपर अटेम्प्ट करने जाना है, तो उससे पहले आपको वो चीज़ें, वो पॉइंट्स थोड़े बहुत स्किप हो चुके होंगे माइंड से, और अगर आप यही सोचते रहो कि मैंने अभी 1 चैप्टर ये वाला रह गया है या मैं पहले इसको कर लूँ, तो आपने वो जो बाकी तमाम चैप्टर्स किए होंगे वो रह जाएंगे। तो इससे पहले कि आपका वो तमाम काम रह जाए, आप सबसे पहले उनकी रिवीजन स्टार्ट करो। जब आप रिवीजन कर लोगे, आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि मेरा इतने परसेंट पेपर अगर आता है इन इन चैप्टर्स में से, मुझे वो आता होगा, मैं बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जब आपको ये आइडिया हो जाए कि मुझे इतना पेपर आता है और इतना मैं अटेम्प्ट कर सकूँगा, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आपके प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में।
और एट दी एंड जब आप ये तमाम चीज़ें कर चुके हो तो फिर उन चीज़ों को देखो, उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो जो आपने पहले स्किप कर दी थी। उससे पहले आप अपनी तमाम तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं।